नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोवा का मजा अब बिहार में, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग का जाने कहां हुआ सफल ट्रायल। पटना के 25 सेंटरों पर होगी प्रधानाध्यापक की परीक्षा, शामिल होंगे 15,000 से अधिक शिक्षक। सौर ऊर्जा की खरीद को लेकर हुआ करार, बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। बिहार में 11,000 से अधिक एकड़ में होगी वैज्ञानिक विधि से बागवानी, निशुल्क पौधा देगी सरकार। जुलाई के अंत तक जारी होगा नियोजन शेड्यूल, आश्वासन पर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे समाप्त। पटना वासियों को जल्द मिलेगी एक और सौगात, शुरू होने जा रहा है जेपी गंगा पथ, जाम से मिलेगी आजादी। बिहार पुलिस में पीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। पश्चिम चंपारण के अमावन वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग का सफल ट्रायल के बाद बिहार के पर्यटन क्षेत्र में एक और आयाम जुड़ गया है। यह बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स बन गया है जहां पर्यटक पैरासेलिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। बिहार सरकार पश्चिम चंपारण को पर्यटन स्थल से कनेक्ट करने के लिए पहला वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स जिले के मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र और NH 727 पर बनाया है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का दावा है कि काम जिस तेजी से चल रहा है उससे लग रहा है कि एक माह के अंदर यह काम करना शुरू कर देगा। बिहार दिवस के अवसर पर इसका ट्रायल हुआ था। मोटर बोट, कयाक, टाई राइड, जेट्स और स्कूटर और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सफल ट्रायल किया गया। इसके साथ ही पैरासेलिंग का भी ट्रायल हो चुका है। इसके शुरू होने के साथ ही पर्यटक इसका आनंद भी ले पाएंगे। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए पटना के 25 केंद्रों पर 31 मई को परीक्षा होगी। बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली इस परीक्षा में 15,049 शिक्षक शामिल होंगे, जबकि रिक्तियों की संख्या 6,421 है। इसमें अनारक्षित 1668, अनारक्षित महिला 903, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 450, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 731, पिछड़ा वर्ग 513, अनुसूचित जाति 642, अनुसूचित जनजाति 46 और पिछड़े वर्ग की महिला श्रेणी के 192 पद शामिल हैं। परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षा सामान्य ज्ञान विषय की 150 अंकों की वास्तुनिष्ठ होगी। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न और बीएड कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और हरेक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। भारत सरकार के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका और जमुई जिले में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाएगी। इन परियोजना से लगभग 42 करोड़ यूनिट अतिरिक्त सौर ऊर्जा प्रति वर्ष राज्य को प्राप्त होगी। गुरुवार को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का एग्जीबिशन के साथ इस 200 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद को लेकर करार हुआ। विद्युत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव व बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के MD प्रभाकर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के MD महेंद्र कुमार एवं सतलज जल विद्युत निगम के निदेशक AK सिंह के अलावा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य में बागवानी विकास के लिए खरीफ मौसम में 11,025 एकड़ में वैज्ञानिक तरीके से बागवानी की जाएगी। सरकार किसानों को नए बाग बनाने के लिए मुफ्त में पौधा उपलब्ध कराएगी, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। 125 एकड़ में केला, 662 एकड़ में पपीता, 1750 एकड़ में आम, 262 एकड़ में लीची का नया बागवान लगाने की योजना है। कृषि विभाग औषधीय गुण और पोषक तत्वों वाली खेती को भी बढ़ावा दे रहा है। सहजन, रजनीगंधा व मगही पान के क्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है। सहजन की खेती 5 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर की जाएगी। जुलाई से सितंबर माह में इसकी खेती की जाएगी। सरकार सहजन की खेती करने वाले किसानों को 50% अनुदान दे रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए औरंगाबाद के अलावा सुपौल, भागलपुर सहित करीब 14 जिलों में विशेष प्रयोग हो रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की भी खेती जोर पकड़ने लगी है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में केला के बगान ड्रैगन फ्रूट के बगान में तब्दील होने लगे हैं।
बिहार में भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को आखिरकार सफलता मिल गई। आंदोलनकर्ता शिक्षकों को यह सफलता आंदोलन के 20वें दिन गुरुवार को प्राप्त हुई। 20 दिनों के बाद शिक्षा विभाग ने आंदोलन कर रहे भावी शिक्षकों को वार्ता के लिए मिलने बुलाया। मुलाकात के बाद जाकर शिक्षा विभाग ने नियोजन के लिए शॉर्ट शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विनीता बिन्नी व सिद्धार्थ कश्यप ने कहा कि आंदोलन के 20वें दिन इसका परिणाम देखने को मिल गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी करते हुए शॉर्ट शेड्यूल जारी किया है, जिसके अंतर्गत 25 जुलाई तक रोस्टर क्लियरेंस करते हुए जुलाई के अंत तक विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभ्यर्थियों को अब आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। कुमुद कांत पांडे ने इस शॉर्ट शेड्यूल पर कहा कि देर से ही सही, लेकिन विभाग ने कुछ तो किया। हम पूरी निगाहें बनाकर रखेंगे कि जुलाई के अंत तक इससे संबंधित विज्ञापन आ जाए। पटना वासियों का खूबसूरत नजारों और गंगा की लहरों के बीच रोमांच के साथ सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। दीघा से दीदारगंज के बीच जयप्रकाश गंगा पथ के पहले फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। 4 जून से इस पथ का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले यह दीघा से गांधी मैदान स्थित AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक शुरू किया जाएगा। इसके आगे के क्षेत्र का निर्माण अभी भी जारी है। निर्माण विभाग ने संबंधित निर्माण एजेंसी को 25 मई तक कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जयप्रकाश गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर होगी, जिसमें से अभी 5.4 किलोमीटर का ही निर्माण कार्य पूरा हुआ है। वहीं इस पथ के निर्माण पर कुल 4000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। बीते शुक्रवार यानी कि 27 मई को बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा पास कर लिए हैं, वो PET के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET के लिए अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि बिहार पुलिस में SI के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार SI के PET परीक्षा जून के महीने में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 14,856 कैंडिडेट्स को पास किया गया है। जानकारी हो कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा 26 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट 2 फरवरी 2022 को जारी हुआ था। इसके बाद 24 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगले 24 घंटे बिहार में एक बार फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी पानी गुजरेगी। इसमें कई थंडर स्टॉर्म मिलकर एक साथ काफी चौड़ाई के लिए गुजरते हैं। इसको लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय शीर्ष मौसमी विज्ञानी विवेक सिन्हा ने बताया कि मध्य उत्तर प्रदेश में यह कुछ कमजोर हुआ है, इसके बावजूद आंधी पानी काफी प्रचंड होगी। पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यह बेहद ताकतवर रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें बिहार में बारिश, ठनका और जबरदस्त मेघ गर्जन के आसार हैं। मौसम विभाग इस पर निगाह रखे हुए है। इधर मौसम विभाग ने बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पटना जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देर रात तक अलर्ट की संख्या और बढ़ेगी। इधर बिहार में दिन भर उत्तरी दक्षिणी बिहार में उत्तर दक्षिणी दिशा से गुजर रही ट्रफ लाइन की वजह से आंधी पानी का दौर जारी है। केवल मध्य बिहार में आंधी पानी की स्थिति नहीं बनी है। हालांकि पूरे बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। बिहार में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही राज्य के अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य कर्मियों की बम्पर बहाली करने जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी भर्तियां जल्द की जाएंगी। स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयार प्रस्ताव पर पहले ही विधि और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं स्थायी नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी भी ली गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के 8,034 रिक्त पदों और OT असिस्टेंट के 1,096 पदों की भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कुल 9,130 रिक्त पदों की भर्ती को लेकर आयोग के स्तर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श भी किया जा चुका है। इन पदों के लिए 2 सप्ताह के अंदर तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन रिक्त पदों के अतिरिक्त फार्मासिस्ट, ECG, सहायक लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर के रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों के लिए जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिहार के निजी स्कूलों के लिए काम की खबर है। सीबीएसई ने सभी निजी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जो स्कूल शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे उन पर बोर्ड 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। बोर्ड ने इसकी सूचना पहले ही सभी स्कूलों को दे दिया था। स्कूलों द्वारा शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देने के कारण 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई ने बिहार के सभी स्कूलों को शिक्षकों की सही जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। बोर्ड के मुताबिक हर साल ऐसे स्कूलों की जानकारी मिलती है जो ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं जो स्कूल में कार्यरत ही नहीं होते हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य में परेशानी आती है। इसको लेकर इस बार बोर्ड काफी सख्त है। बता दें कि स्कूल प्रबंधन स्कूलों की वेबसाइट को अपडेट करने में लापरवाही बरते हैं। ज्यादातर स्कूल ऐसे शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए भेजते हैं जो स्कूल में कार्यरत नहीं होते हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में इस बार बोर्ड ने ऐसे स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी की है। इस बार सीबीएसई ने स्कूलों को साफ तौर पर कह दिया है कि जो स्कूल शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देंगे उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।